पंडित विकास महाराज हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुरुआत करेंगे आपके संगीत कला और आपके पूरे सफर के साथ। आपके खुद का सफर किस तरह शुरू हुआ और आपके परिवार का ये कला को लेकर? चूंकि हमारी जिंदगी, हम तो पैदा हुए बनारस घराने में, ये 14वीं पीढ़ी है हमारे घर की। 14वीं पीढ़ी। और हमारे परिवार में हमारे माँ की तरफ और पिताजी की तरफ दोनों तरफ जो है, अच्छा हमारे यहाँ शादियाँ भी होती है कलाकार के घर की लड़की से, इसलिए क्योंकि जो सोच होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कला में ही रहते हैं। अच्छा, 14वीं पीढ़ी हम लोगों की है। और मतलब कम से कम 1200 साल, हाँ 500 साल तो मान के चलिए, किसी भी 500 साल मान के चलिए। और इसी बनारस में, और 14वीं पीढ़ी के साथ साथ अब हमारी जो खानदानी है वो हमें खानदान से जो मिला वो तो हमें मिला ही। फिर हम लोगों ने ये किया कि एक ऐसे साज को हमने अडॉप्ट किया जो कि अफगानिस्तान से आया, और ये बहुत बड़ी मैंने बलिदान दिया अपने जिंदगी का, क्योंकि हमारे खानदान में सरोद नहीं था। तो ये कदम उठाना एक तरह की क्रांति थी, बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि ये अफगानी साज थी। और जैसे कुछ साज ऐसे हैं जो कि मुसलमानों की तरफ से आई हमारे यहाँ, और उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको घर से बाहर ही रखा गया। जैसे शहनाई आई यूरोप से, यहाँ से आपके अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पर्शिया, इधर से आई, तो घर के अंदर उस साज को कभी अडॉप्ट नहीं किया गया। उसको निम्न स्तर के लोग, जैसे जिसको निम्न आप कह लीजिए, आज के जमाने में जितने हरिजन हैं, मैक्सिमम जितने मैक्सिमम आर्टिस्ट जो हैं हरिजन हैं, मगर उन्होंने सीखा भले ही हम ब्राह्मणों के घर से, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पूरे परिवार में सब ब्राह्मण हैं, सीखा हम ही लोग से, बाद में धीरे 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 करते करते उन लोगों को अपने बराबर हम लोग लाना शुरू किए। तो ये जो बलिदान हमारी थी सरोद के लिए, क्योंकि माँ को बहुत शौक था, माँ एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी औरत थी। आपकी माँ? हाँ, हमारी माँ। हमारे घर के अंदर दो पार्ट आप देख लीजिए, हमारी माँ क्रांतिकारी, पिताजी बड़े सीधे साधे व्यक्ति। अच्छा। वो भजन पूजन कीर्तन ये सब करने वाले व्यक्ति, प्रभु के अंदर बड़ा आस्था रखने वाले, और माँ उतने ही क्रांतिकारी, चूँकि किशोर महाराज जी की बहन थी तो क्रांतिकारी परिवार था। तो माँ को बड़ा शौक था कि घर के अंदर एक ऐसे साज आए जो कि एक दुनिया बदले। तो उन्होंने देखा कि ये बेटा जो है ये बचपन से ही क्रांतिकारी है, और इसको अगर ये साज दिया जाएगा तो ये जरूर क्रांति लाएगा। तो ये माँ का बड़ा एक तरह से आशीर्वाद था, और उन्होंने ये देखा कि ये लड़का कर सकता है, तो उन्होंने हमें तबला छोड़ के इस पे डाल दिया। पहले मैं तबला बजाता था। आपकी उम्र क्या थी तब? उस समय हमारी 15-16 साल की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि माँ के आदेश को मानते हुए हमने सरोद बजाना शुरू किया। बहुत समाज में बड़ी लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने विरोध किया। किस मुद्दे पे? इसी मुद्दे पे कि अफगानी साज लेकर और खानदान में एक मुसलमान का प्रवेश, जैसे मुसलमानों की तरफ से एक, तो संगीत कला में भी ये बात चलती है? हाँ, चलती थी। अब चूंकि हमने उसको तोड़ा। हम अपने दूसरे वाले बेटे को सरोदी हम सिखा रहे हैं, छोटा वाला बेटा है वो सितार में, अभिषेक, बड़ा वाला बेटा तबले में, जो खानदानी ट्रेडिशन है। हमारी शुरुआती दौर जो थी संगीत में बड़ा कष्टप्रद था, क्योंकि पिताजी बड़े सीधे साधे व्यक्ति, और उस जमाने में भी पॉलिटिक्स वगैरह बड़ा हुआ करता था संगीत में। अच्छा, किस तरह का पॉलिटिक्स?
जैसे ग्रुप बाजी, जो सीधे साधे व्यक्ति थे उनको हमसे दबाना, और संगीत एक ऐसे मंच से जुड़ा हुआ है। आज अगर आगे बढ़ना है तो मन से आप जुड़े रहिए, प्रोत्साहन मिलता रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे, 10 लोग आपको याद करते रहे। और ये जो ग्रुप बाजी होती थी, ये उन्हीं लोगों को बुलाते थे जो हमेशा उन लोग से अटैच रहते थे। और आपने शुरुआत में ऐसा कदम लिया जिससे आप अलग हो गए। अलग हो गए और क्रांतिकारी ढंग से हम सबसे लड़ते लड़ाते इतना तक हुआ कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हम सरोद छोड़ के फिर से अपने संगीत सरोद तबले में चले आए, ये भी हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गुरु को पंडित राजेश मोहिता जी, जो बाबा लौदैन खान साहब जी के शिष्य थे, उनसे कई बार कहा गया कि आप विकास को सरोद बजाना छोड़ दीजिए, सिखाना छोड़ दीजिए। तो गुरु जी हमारे इतने कट्टरपंथी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैंने उसको अपना शिष्य नहीं माना, उसको अपना भाई मानते हैं और हम सिखाएंगे, चाहे आप कितना हूँ जोर लगा लीजिए। और ऐसे लोग नहीं थे जो कि सड़क चलते और छोटे मोटे कलाकार, दिग्गज कलाकार, भारत के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट जिनके नाम को लेने के बाद लोग डरते थे, बड़े बड़े कलाकार डरते थे उनके नाम से, उन्होंने ये हमारे गुरु जी को धमकी दी। राजनीति संगीत और कला को लेकर एक तरह की राजनीति कही जा सकती है, वो आज कुछ कम हुई है या आज भी वैसे ही है? आज भी वैसे ही, मगर वो लुके छिपे वो भी करते हैं, लुके छिपे करते हैं। और हम लोग की एज या हम लोग की सोच के लोग नहीं है वो। हम लोग ये चाहते हैं कि संगीत का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना ही समाज के अंदर मित्रवत, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध ये बढ़ेंगे। उनका ये सोच है कि जैसे राजनीतिक स्तर से अगर हम टॉप रहेंगे तो जितने लोग हमारे अंडर में रहेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, मगर दलित परिवार के भी बच्चों को इसी ढंग से सिखाना जैसे अपना बच्चा हो जी, वो भी एक प्रयास आपकी माता जी वगैरह आपके घराने में ये एक सोच है, तो क्या ये भी आज लोग इसके बारे में करते हैं या आज वंचित रहता है दलित बच्चा? दलित बच्चा आज भी वंचित, मैं सत्य बताऊं, दलित बच्चा आज भी, क्योंकि वो परिवार से भी कमजोर हैं, अर्थ से भी कमजोर हैं। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि आज के जितने टीचर, मैक्सिमम आप देख लीजिए, वो चाहते हैं हमारे यहाँ बच्चे आवें तो वो बहुत सारे धन लेकर आवें। और हमारे घर के अंदर मैं आप सत्य बताऊं, विदेशी आते सीखने के लिए, उनको हम जब शिक्षा देते तो उनसे एक पैसा नहीं देते, कोई भी यहाँ पे आके सीख सकता है। तो आपके पास दलित बच्चा भी आता है? एकदम हमारे घर के अंदर रह के सीखता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो इस समय अच्छे आर्टिस्ट बने हुए हैं, यानी अपने लेवल में वो बहुत अच्छे हैं, और दलित घर के बच्चे हैं। और मेरा संबंध तो बिस्मिल्लाह खान साहब जी के घर से बहुत ज़्यादा रहा है, और उनके जितने बच्चे हैं, कई बार हम लोगों ने बहुत दूर दूर जाकर परफॉर्मेंस किया साथ साथ। और ये दुर्भाग्य मेरा कह लीजिए कि 15 अगस्त को हम लोगों को बजाना था इंडिया गेट पे। कौन से साल है? 2005-06। तो उसी दौरान जो है हम लोग की वो चल रही थी, रिहर्सल चल रही थी कि इंडिया गेट पर परफॉर्मेंस करना है। और 10 या 11 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए। हम लोग तो हमेशा आना जाना उनका था, और 15 अगस्त का प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया क्योंकि वो स्वस्थ नहीं थे। और 21 तारीख को वो जो है
उनका इंतकाल हो गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम बाप बेटे प्रभास और मैं ये लास्ट विजिटर थे उनके पास, बिस्मिल्लाह खान साहब, हाँ बिस्मिल्लाह खान साहब जी के पास, जिनसे उनकी हमारी बात हुई। क्या बात हुई थी सर? जब मैं पहुँचा तो मेरे बेटे की बड़ी शौक थी कि बिस्मिल्लाह खान साहब जी का आशीर्वाद ले लें और उनसे दो शब्द बात करें। हमने कहा ठीक है चलो। हम दोनों लोग गए, उस समय रात 11 बजा हुआ था और बिस्तर पे पड़े हुए थे, दोनों नाक में नली थी और गले में पाइप डाला हुआ था क्योंकि खाना वगैरह गले में उसी पाइप से खाना दिया जाता था। तो जब पहुँचे वहाँ तो बिस्मिल्लाह खान साहब जी जो हैं आराम से ऐसे लेटे हुए थे और उनके बच्चे चारों तरफ बैठे हुए थे। तो हम जब उनके कान के पास गए, चचा प्रणाम, जब हम चचा बोले उनसे तो धीरे से आँख खोले, कहेंगे अरे कब आए हो? हमने कहा बस अभी भी आए हैं और मेरा बेटा आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। तो हमारे बेटे की तरफ देख के पैर के पास खड़ा होता मेरा बेटा, हाँ बचवा कैसे हो? जिसने कहा दादाजी बस ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ 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 ठीक हो जाएंगे, क्या करते हो? कह तबला सीख रहे हैं। कह किससे? तो अपने दादाजी का नाम जो है उनको महाराज जी से सीखते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि अरे ननकू से सीखते हो? अरे यार ननकू ऐसा शेर दिल तबलिया हमने आज तक नहीं देखा। बनारस का शेर था वो। और उसके बाद कहें इतना ही सदा, वाह बेटा खूब रियाज करो, रियाजी जिंदगी में काम आएगा। और कह के कहते क्या है धातु नाकर। तो मेरे आँख से आंसू आने लगा। हमने कहा कि ऐसे कलाकार जो कि मरणासन पर पड़े हुए हैं मगर अभी भी संगीत के विषय में बात कर रहे हैं। कह देखो एक तो चीज है हम जिंदगी भर बजाए और लोगों ने बहुत प्यार किया उसको, बनारस की एक बधैया, गंगा द्वारे बधैया बाजे रे गंगा द्वारे, ये गाए। फिर हम लोगों ने कहा नहीं नहीं आप आराम करिए आराम करिए, उन्होंने आँख बंद कर दिया। ये 12:30 बजे रात की बात है। ऊपर से उतर के नीचे हम लोग उनके बच्चे वगैरह सारे लोग नीचे उतर के हम लोग कॉफ़ी पीने आए, अचानक डॉक्टर का कॉल आता है कि जल्दी आइए ऊपर। सारे लोग भाग कर ऊपर जाते हैं और करीब 1:45 बजे के लगभग उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो कलाकार की जिंदगी ये होनी चाहिए कि कभी उनके पास जो भी गया वो कभी खाली हाथ नहीं आया और हमेशा उनसे आशीर्वाद मिलता रहा। तो हमारे कहने का मतलब ये कि संगीतकार को इस तरह का होना चाहिए, न वो जात पात न ऊंच नीच, इस पर कभी ध्यान न दें न इसका मलल करें। क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे जो कि इस तरह की बातें करते हैं, जब तो पैसा नहीं लाओगे हम तो मैं अपना शिष्य नहीं बनाएंगे और हम अपनी चीज़ आपको नहीं देंगे, हम आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो कि गूढ़ चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन में आ रहा है। ऐसा नहीं, संगीत बांटने से विद्या, बांटने से विद्या बढ़ता है, बांटता नहीं है। और अपनी ज़िंदगी में हमने यही सीखा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने दलित को दलित नहीं समझा, मैंने अपना भाई समझा, अपना मित्र समझा। आज मोहल्ले हमारा मोहल्ला है, कभी छोड़ा मोहल्ला है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि हमें न जानता हो। और कभी कोई भूल से पूछ लेते हैं बनारस में, जैसे 80 पे हैं उन्होंने पूछ लिया कि भाई विकास महाराज एक हमारे मित्र हैं वो कहाँ रहते हैं, 80 पे लोग बताते हैं अरे विकास महाराज तो कभी छोड़ा रहते हैं, आप वहाँ जाइए वहाँ किसी से पूछ लीजिए आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये चीज़ एक हमारे पास लेटर आया नाटे सेठ से, उस पर एड्रेस क्या लिखा था, विकास महाराज वाराणसी इंडिया, बस इतना ही लिखा था। अब वो लेटर ठीक 7 दिन में हमारे पास आ गया, पोस्ट ऑफिस के तक के लोग आपको तो कहने का मतलब आप इतने सहज और सरल बनिए कि हर कोई आपसे बात कर सके।
वरना तो जमाना तो बहुत फास्ट है। तो संगीत कला संस्कृति और बनारस की एक पहचान, कला और संस्कृति को लेकर, मजहब और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, सामाजिक संस्कृति को लेकर, तो ये जो मोहल्ला है, ये बनारस जो है, उनको और उसको उसको रिवाइव करने के लिए अभी आपके यहाँ पे तो आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, बजाते हैं, आप भी बजाते हैं उनके साथ, अभी अगले महीने बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है जी। तो ये जो एक आपने जो इतनी बड़ी चीज़ कही कि चाहे वो संगीतकार हो, कलाकार हो, कोई भी संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो उससे और मानवतावाद का जो संबंध है वो कलाकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, और आप शायद मानव अधिकार से भी बहुत गहरी तरह जुड़े हुए हैं। जी जी जी। पीवीसीएचआर के आप एम्बेसडर हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इसको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दौर से जो गुजर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक तरह का कंज्यूमरिज्म, न्यूलिबरलिज्म और कौमवाद और फिरका परस्ती के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें कलाकार का क्या रोल होना चाहिए? इसमें कलाकार का ही सबसे बड़ा रोल है, चाहे वो मंच के कलाकार हों, चाहे सिनेमा जगत के हों, चाहे संगीत के हों, चाहे फोक हों, क्योंकि संगीत प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जन्म से लेके अंत तक संगीत ही साथ रहता है, क्योंकि संगीत के द्वारा हमारे यहाँ कहा गया, दो डिवाइड किया गया है कि चल और अचल दो चीज होते हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि आप उसके द्वारा कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते, मगर संगीत एकमात्र ऐसा चीज है जिसके द्वारा चल और अचल दोनों पे आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। हम चलते हैं वो भी संगीत है, हम बोलते हैं वो भी संगीत है, हम करते हैं वो भी संगीत है, पशु पक्षी जो बोलते हैं करते हैं वो भी संगीत है, क्योंकि पूरी जीवन संगीत से जुड़ा हुआ है, और संगीत ही एकमात्र ऐसा है, कला ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि आदमी को मोल्ड कर सकता है, इस दौर को बदल सकता है जो आज हमारे देश में, हमारे दुनिया में। हम तो एक बार इंटरव्यू में हमने ये भी कहा था, अगर टेररिस्ट अगर आदमी बनता है तो अगर उसको भी अगर आप एक जीवन, अच्छी जीवन जीने का मार्ग देना चाहते तो संगीत से जुड़िए, बदल सकता है, बदल सकता है, एकदम बदलेगा। तो इसका मतलब है कि शिक्षण और तालीम में भी स्कूल से लेकर हमें कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक और कला को लेकर हम बच्चों को नहीं निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको वंचित रख रहे हैं बच्चों को, हमारे बच्चों को, चाहे वो स्टेट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, ये बहुत बड़ा हम एक घाव पहुंचा कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप देख लिए विदेशों में हम लोग जाते हैं, वहां पे बच्चा जो है जन्म लेता है, लेने के बाद जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, उसके हाथ में कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, और हमारे पास, और आज हमारे देश में पहले था, पहले प्राथमिक विद्यालय में भी संगीत की शिक्षा होती थी, पीटी होता था, उसमें खेल कूद होता था, उसके अंदर गाने बजाने हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन होता था, आज कहाँ होता है, सब बंद हो गया, इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूल में संगीत मस्त था, आज संगीत कहीं पता नहीं, प्रार्थना शब्द खत्म हो गया विद्यालयों में, बच्चे अपना कहाँ घूम रहे हैं, इकट्ठा होते हैं तो वही जब एनुअल फंक्शन होता है उसमें तो संगीत होता है, जो बच्चे अपने घर के सीखे होते हैं वही वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, वरना बाकी बच्चे तो एकदम लोग हैं। इसीलिए ये जो अलगाववादी वाली जो सोच इनको विद्यालय में मिलता है, इसी वजह, क्योंकि कला का वहाँ पे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, कला का कोई एक कमरा नहीं है, कला का एक कोई शिक्षक नहीं है। आज जो भी सरकार ने वो विद्यालय खोला है उसमें कहीं पहले हुआ करता था, आज सारे वो उसको बंद कर दिए गए, उनका ये कहना था कि कला से संबंधित कोई स्टूडेंट ही नहीं आता, ऐसा ऐसी बात तो नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह अगर एकता करनी है, समानांतर लोगों को लाना है, तो वहाँ संगीत की शिक्षा बहुत जरूरी है। संवैधानिक वसूल है बराबरी और समानता की, उसको अगर बच्चों में प्रभावित, अगर गहराई से प्रभावित करना है बच्चों को, वो संवैधानिक वसूलों को जी। तो आपको लगता है संगीत और कला का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ है, और प्रत्येक जगह मानवता की शिक्षा मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की शिक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर लेडी जी ने आज से 4-5 साल पहले
कई संस्थाओं को मिलकर मिलाकर एक उन्होंने एक प्रारूप बनाया कि ताकि हर विद्यालय में जो है कक्षा 7 से लेके ही वो वहाँ से क्लास शुरू हो जाए, ह्यूमन राइट्स की क्लासेस हो, लोगों को ये जानकारी होगी, क्योंकि कहीं भी हमारे समाज के अंदर मानवता की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती। सर आप तो दुनिया भर में घूमते हैं, आपके मतलब आपने अपने कला को लेकर एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत किया है जी। आप सिर्फ ट्रेडिशनल रूप से आप अपनी कला को नहीं देखते, आप अपने संस्कृति को इतना बड़ा समझते हैं कि दूसरे संस्कृतियों के साथ भी आप वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और दूसरी बात कि भारत सरकार और यहाँ की मतलब जो हुकूमत है उन्होंने आपको सही ढंग से रिकॉग्नाइज किया है। देखिए जहाँ तक सवाल है अपने संगीत को दूसरे संगीत से जोड़ने का, ये एक्सपेरिमेंट हमने 2000 में बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिया। उस जमाने में मेरे जब मैं परफॉर्मेंस करता था फ्यूज़न का, तो ये रिपोर्ट आती थी ये फ्यूज़न है कन्फ्यूज़न है, मेरे साथ जोड़ा गया कन्फ्यूज़न। तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने मेरा बड़ा विरोध किया। हमने कहा अगर समानांतर लानी हो, भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार आपको बढ़ानी हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। पंडित रविशंकर जी के साथ भी बहुत कई जगह उनको मात खानी पड़ी, बड़े बड़े कलाकारों को मात खानी पड़ी, मगर हमने कहा कि नहीं, उन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया है उस मिशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमने एम बना लिया था कि अगर पंडित रविशंकर जी जैसे व्यक्ति अगर इस तरह के संगीत को जोड़ के आज पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम करें। तो चूंकि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को लेकर किया था और क्लासिकल कंपोजर्स को लेकर, हमने कहा नहीं, हमें हर तरह संगीत को लेकर करना होगा, जैज हो, ब्लूज हो, रॉक हो, पॉप हो, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि भारतीय संगीत हर जगह है। तो जैज का और ब्लूज, क्योंकि हम बहुत पसंद करते हैं जैज और ब्लूज को, तो आपके साथ कौन सा सबसे फेवरेट आपका कौन सा फ्यूजन कंपोजर? हमारे साथ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ, हाँ ये कह सकता उनके साथ मिलकर हमने कई एल्बम्स वगैरह बनाए, और जिसमें वर्ल्ड के माने जाने पॉप स्टार ये फ्लूटिस्ट पॉल हॉर्न कैनेडियन, उनके साथ मिलकर हमने 200 से ज़्यादा परफॉर्मेंस किए पूरे यूरोप में। डेविड फ्रीजन यूनाइटेड स्टेट की, उसके बाद जॉन हैंडी, इनके साथ हजारों परफॉर्मेंस किए, जॉन मैक्लाउलिन, पीटर गैब्रियल, उसके बाद हैबी हैंकॉक, ऐसे करते कराते सैकड़ों ऐसे आर्टिस्ट के साथ हम लोगों का वो मुलाकात हुई और मंच परफॉर्मेंस हुआ, और इस तरह करते करते पॉप स्टार तक आ गए। अपने ज़माने के 80s के पॉप स्टार थे टॉम बेली, जिनका ग्रुप नाम था थॉमसन ट्विंस, यानी 80s के टॉप, उन्होंने छोड़ दिया संगीत। काफ़ी अरसे बाद हमारी उनकी मुलाकात इसी बनारस में हुई, और हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर लेनी जी को, उन्होंने उनको पकड़ के कबीर मठ से मेरे पास ले आए, और फिर यहीं पे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई। होते होते आज स्थिति ये हो गई कि हम लोगों ने कई एल्बम बना लिया, और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होली वाटर, यानी पानी की रक्षा, गंगा को लेकर हम लोगों ने शुरू की। आज स्थिति ये है कि कम से कम नहीं तो हमारे सबसे 5-6 हज़ार परफॉर्मेंस हमने किया, और हर जगह माँ गंगा का हमने प्रचार किया, जिसमें टॉम बेली भी हैं, जेम्स पिंकर हैं, न्यूजीलैंड का पॉप टॉप ड्रमिस्ट, उसी ने नुसरत फतेह अली खान साहब जी को हाईलाइट किया। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी का पार्टनर है। तो कहने का मतलब ये कि हमने समंता फॉक्स का नाम आपने सुना, हम लोगों का फेस्टिवल था म्यूनिक में, और वहाँ पे वो आई थी, और बियर फेस्टिवल होता है म्यूनिक का, बहुत नामी बियर फेस्टिवल, उसी में उनका परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस था, हमने परफॉर्मेंस किया तो
वो सुनने के बाद वो कहती क्या है, मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। हमने कहा एकदम जरूर आप गाइए, कह मगर आप हमारे साथ बजाएंगे। हमने कहा अरे एक्सटेम्पोर, हाँ यानी वहाँ पे यूरोप में एक बहुत अच्छी चीज होती है और जैमिंग, यानी सारे फेस्टिवल जब खत्म हो जाते हैं तो एक साथ सारे कलाकार मंच पे आते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम करते हैं वो। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ बजाइए आप। मैंने कहा जरूर बजाएंगे। तो उन्होंने ब्लूज स्टार्ट किया। अच्छा ब्लूज क्या है, हमारे यहाँ की दो राग ऐसी हैं जो कि ब्लूज राग हैं, हम उसको ब्लूज नहीं कहते हैं, हम उसे ब्लूज नहीं कहते हैं, हम उसे राग जोग कहते हैं। अच्छा ये पहली बार राग जोग जो है वो ब्लूज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि राग जोग जो है वो हमारे यहाँ बड़े गंभीर रागों में माना जाता है जोग को। अच्छा अजान जितने पढ़े जाते हैं सब सुबह के रागों पे हैं, बैरागी में होता है, अच्छा ललित में होता है। ये तो बहुत खूबसूरत लगता है कि आजान ललित का वर्णन। ये सारी रागों पे आधारित हैं जो कि दिल को छूता है। इस तरह विश्व भर में आपका इतना रिकॉग्निशन है, आप इतना बजाते हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना अपने संगीत कला को लेकर प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हमारी सरकार ने आपको रिकॉग्निशन दिया है या नहीं? ये थोड़ी सी हम कहना चाहेंगे कि विदेशी सरकारों ने बहुत सम्मान किया, उनको जानकारी नहीं थी कि भारतीय संगीत होता क्या है। मैं बहुत जगह गया, वो ये नहीं जानते थे कि भारतीय संगीत होती क्या, वो पूछते थे ये क्या है, ये कौन सी संगीत है। तो उनको पूरा डिफिनेशन देना पड़ता था कि ये संगीत ये है, ये जो आपके यहाँ बेथोवन का म्यूजिक है तो ये हमारे यहाँ ये राग है, ये शुबर्ट का म्यूजिक है, ये शुबर्ट इस राग में इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, ये बाख है, बाख के संगीत में ये स्वर लगा हुआ है, देखिए हमारे यहाँ ये स्वर, यानी उनको मोटिवेट किया हमने। ऐसा नहीं कि हम गए अपना परफॉर्मेंस किए और चल दिए, पैसा लिए चल दिए, नहीं, हमने उनको ये समझाया कि ये लय है, ये स्वर है जो आपके यहाँ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, है? तो वहां पे सुनने के बाद उनको ये लगा कि अरे ये तो हमारी ही तरह है ये लोग। तो उन्होंने इतना सम्मान दिया कि मैं पहला भारतीय हूं जिन्हें वो मौका दिया गया, 77,000 जनता के सामने मैंने परफॉर्मेंस किया, 77,000 लोगों के सामने न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस किया। तो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ विशेष इनवाइट करके, मिसेस हेलन क्लार्क, उन्होंने अपने यहाँ बुला के पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस करवाया दिवाली फेस्टिवल। मैं आपसे क्या बताऊं कि मुझे रोना आता है कि अपने देश में ये भी कहा गया है घर का जोगी मठ उजाड़, है घर के मुनि साग बराबर, ये भी है ओवर हाउसन, वहाँ की नेशनल म्यूजिक एकेडमी है जर्मनी की, वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर बना के बुलाया जा रहा है। इस तरह से करके अमेरिका में कई विश्वविद्यालय में अपनी सरकार अभी भी थोड़ी सी लगे हुए हैं लोग, हमारे बंधु मित्र बंधु लोग ये चाहते हैं कि कम से कम ये सरकार जो है कुछ ना कुछ दे ताकि हम इस चीज को और आगे बढ़ा सकें। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि यस भारती से सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसे ये लगा कि ऐसे करने से कम एक संगीत जगत में अच्छी मैसेज जाएगी सरकार, यानी अपने स्टेट लेवल की। विकास महाराज जी, बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे भारत के बच्चे जो है, जो स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल से वंचित भी हैं, उनको कहीं ना कहीं कला और संगीत से जुड़ने का मौका मिले आप जैसे लोगों के साथ। एकदम हम ये चाहते हैं कि सारे लोग, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे दूर दराज कहीं भी हो, उनको कला के साथ जोड़िए। और संगीत एक बहुत सरल रास्ता है प्रभु के पास पहुँचने का।
विकास महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिज्म कॉम्बैट में बहुत बहुत शुक्रिया। और त्रिशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसी महिला और आप जैसे सेवक, हम तो सेवक ही कहेंगे, कि आपने कला के लिए और समाज के लिए जो आपने योगदान दिया है ये काबिले तारीफ है। और अगर ऐसे ऐसे लोग समाज में अगर 10-20 हो जाए, ये दिन दूर नहीं कि समाज को बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार।